गाइस हेलो हाय सत नमस्ते आई होप आप सब लोग ठीक होंगे स्वस्थ होंगे और ये वीडियो संडे का है करवा चौथ का तो मैं यहाँ पे दोपहर की पूजा की बुरी सब तैयारी कर रही हूँ थोड़ा मतलब पूजा करना है दोपहर को हम मतलब हम लोगों में दो बार पूजा होता है एक बार दोपहर में होता है वो कहानी पढ़ी जाती है करवा चौथ की एक बार चांद देखने के टाइम पर होता है शाम को तो मैं ये सब रेडी करके रख लूँगी और अपना पूजा में यहाँ पे कंप्लीट कर लूँगी मैंने यहाँ पे कुछ मेकअप का सामान निकाला हुआ है कुछ तो सूट के साथ दोपहर में पहन लूंगी सुबह में और ये सब रात को पहनूंगी साढ़े के साथ वही सब मैंने यहाँ निकाल के रखा हुआ है मैंने मेकअप का सामान अपना निकाल के रखा था मेरे बच्चे और अंदर आए तो ये सब चेक कर रहे थे कि मम्मी ने क्या निकाल के रखा है मम्मी क्या लगाएगी वही सब ये दोनों भाई देख रहे हैं और अपने ऊपर भी मतलब फेस के ऊपर लगा रहे हैं पाउडर वगैरह है, ये जो मैंने निकाल के रखा है दोनों का यहाँ पे मस्ती चल रहा है दोनों का बच्चे इनका यही होता है मम्मी क्या कर रही है तो उनको पहले जानना रहता है मेरा यहाँ पे दोपहर का पूजा कंप्लीट हो चुका है मैंने कथा पढ़ लिया है और जो सब कुछ होता है मैंने सब पूजा कर लिया है अपना और अभी किचन में जाऊंगी मैं, मैं रात के खाने की तैयारी करूंगी मैंने यहाँ पे खीर बनाई है तो मैं उसके अंदर बन चुकी है खीर मैं उसके अंदर शक्कर ऐड कर दूंगी कुछ बादाम वगैरह कटिंग करके रखा है बा, बादाम काजू वो सब खीर के अंदर मैं ऐड कर दूंगी और जित कोशिश यही है कि जल्दी से खाना बन जाए तो शाम को अच्छे से रेडी हो के पूजा कर सकूँ मैं इसलिए जल्दी खाना बना लूँगी अभी शाम के पाँच बजे हुई हैं और मैं यहाँ पे बनाने लग रही हूँ अपना वही सब पूजा का खाना फटाफट से बना के और शाम की पूजा की तैयारी कर लूँगी मैं और अपने आप भी मैं रेडी हो जाऊँगी मुझे साड़ी पहनना तो साड़ी पहनने थोड़ा टाइम लगता है मुझे यहाँ पे खीर बन चुकी है मैं यहाँ पे बना रही हूँ बूंदी का रायता ये दही घर में ही बनाई थी मैंने मैं यहाँ रायता बनाऊंगी दही को अच्छे से फेंट लूँगी और इसके अंदर बूंदी ऐड करना है हरा धनिया रेड चिल्ली पाउडर सॉल्ट जीरा पाउडर ये सब मैं ऐड करके रायता बना के फ्रिज के अंदर रख दूंगी और ये सब्जी कटिंग करके रखी है मैंने आलू गोभी की सब्जी ये सब्जी भी मैं बना लूंगी यहाँ रायता हो चुका है कंप्लीट मैं इसको रख दूंगी फ्रीज के अंदर मैंने ये सूट पहना था दोपहर की पूजा में इस सूट पहना था और शाम को साड़ी पहना था वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और मेहंदी मैंने ऐसे ही लगा लिया था मुझे अच्छे से लगाना नहीं आता है लेकिन फिर भी थोड़ा सा लगा लिया था मैंने वो ही दिखा रही हूँ आपको अपना सूट दिखा रही हूँ ड्रेस कैसा लग रहा है बताना मुझको मैं यहाँ पे सब्जी बना के रख लूँगी खीर बन चुका है रायता बन चुका है अभी मैं यहाँ पे सब्जी बना रही हूँ मैंने आलू गोभी का सब्जी बनाया है ऑलमोस्ट बन चुका है मैं इसके अंदर धनिया डाल के इसको साइड कर दूँगी और मैं पूड़ी भी बना के रख लूँगी बर्तन वगैरह सब साफ करके सारा किचन का, का काम जितना भी होता है कम्प्लीट कर लूँगी और उसके बाद मैं तैयार हो जाऊँगी रात की पूजा के लिए ये सब्जी बन गया है दिस कितना अच्छा लग रहा है और अभी मैं यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है पूड़िया बनाऊंगी मैं अभी यहाँ मैं पूड़ी सारी बेल के रख ली है और एक साथ अब मैं इनको फटाफट से बना लूंगी फ्राई कर लूंगी फटाफट बन के रेडी हो जाती हैं थोड़ा शाम का हेड कम हो जाएगा खाना बन जाएगा किचन का काम हो जाएगा तो आराम से हम लोग मैं रेडी हो सकती हूँ और पूजा आराम से फिर कर सकते हैं शांति से इसलिए पहले अपने सारे काम कर लूँगी मैं मेरा खाना बन चुका है देखिए यहाँ पे खीर बना के मैंने रख दिया है कितना अच्छा खीर दिख रहा है और मैंने यहाँ पे सब्जी भी बना के कंप्लीट कर लिया है अपना इधर है बूंदी का रायता और इधर पूड़ी मेरा सब किचन का काम ऑलमोस्ट हो चुका है अभी मैं रेडी हो जाऊँगी पूड़ी भी बना के मैंने के रख दिए बन चुकी है पूड़ी भी और देखिए मैं टाइम दिखा रही थी अभी आपको मतलब पौने छः टाइम हुआ है अभी कितना जल्दी मेरा सब काम हो गया है देखिए सारा किचन साफ़ करके मैंने रख लिया है और अभी हुआ सिर्फ पौने छः भी मैं आराम से रेडी हो सकती हूँ पूजा कर सकती हो मैंने यहाँ पे ये यह साड़ी पहना ही मैं आपको दिखा रही हूँ बेंगल्स ज्वेलरी वगैरह ये जिस सब मैंने पहना हुआ है एयर रिंग वगैरह वो ही मैं दिखा रही हूँ आपको अभी इसको अच्छे से बांध लूँगी साड़ी को बांधा नहीं था ओनली शोल्डर पे मैंने डाल के रखा था बताना आप मेरी साड़ी कैसी लग रही है मैं कैसी लग रही हूँ पूजा का यहाँ तैयारी हो रहा है पूरा अपना थाली रेडी करके रखा है मैंने चांद का बेट हो रहा है अभी पूजा पूजा के लिए हम लोगों को टेरिस पे जाना था चांद आने में अभी टाइम था तो इसलिए मैं आपको अपना ये दोबारा से मैंने अच्छे से साड़ी बांध लिया है वही मैं आपको दिखा रही थी इसके बाद हम टेरिस पे जाएंगे पूजा करने के लिए टेरिस पे हम लोग आ चुके हैं चांद का वेट कर रहे हैं चांद अभी नहीं आया है तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके हुए हैं उसके बाद पूजा करेंगे उसके बाद नीचे जाके वही अपना खाना खाएंगे बच्चे यहीं पे ही हैं दोनों भाई खेल रहे हैं आई होप वीडियो पसंद आया होगा आपको अच्छा लगा है पसंद आया है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए देखिए यहाँ पे चाँद निकल चुका है दिखा रही है ऑरेंज और ऑरेंज दिख रहा है ना बिल्डिंग के ऊपर ये चांद है निकल चुका है तो ब्लॉग आज का इधर इत, इत, इतना ही था थैंक यू फॉर वॉचिंग